मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं मेरे बड़े भाई भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आर आनंद सिंह जी मंच पर आसीन मेरे गृह राज्य के कैबिनेट के मंत्री तो है ही लेकिन ऐसे व्यक्ति है जिनका एक जन जन आदिवासी समाज के साथ एक पकड़ है नब्ज तोड़ तोड़कर उनकी जहन में उपस्थिति है उमंग सिंगार मंच पर आसीन इस जिले के कांग्रेस के मेरे अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह जी तर्केश्वर यादव साहेब रुस्तम अंसारी जी सपन बैनर्जी साहेब रविंदर वर्मा जी उमाशंकर जी मंच पर आसीन समस्त कांग्रेस और महागठबंधन के मेरे कार्यकर्तागण और मेरे पास में खड़ी हुई केवल कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नहीं केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी की प्रत्याशी नहीं मैं तो ये मानता हूं केवल गठबंधन की प्रत्याशी नहीं मैं तो ये मानता हूं कि झरिया की जन जन की प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह मीडिया के मेरे भाई बहनों आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि धारण की तपस्या भूमि पर नमन करने का मुझे मौका मिला मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं नेता लोग यहां वोट आएंगे नेता लोग यहां वोट आएंगे बुला फुसलाने का कार्य और कोशिश करेंगे लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस भूमि को नमन करने के लिए उसके पीछे झारखंड का इतिहास झारखंड का भविष्य बैठा हुआ है वो झारखंड का इतिहास हजारों के गीतों के चित्रकार चाहे हजारों के गीतों के चित्रकार हो चाहे पलामू के प्राचीन स्तंभ हो चाहे झारखंड का नहीं लेकिन इस देश का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं यह विशेषता है झारखंड की वो विशेषता है जो इतिहास में रची गई है जो झारखंड के बिरसा मुंडा ने आजादी के क्रांति में अंग्रेजों के सामने अपना सिर उठाकर केवल
बलाद वासियों का नहीं, लेकिन इस देश का हर नागरिक का सिर ऊंचा किया था। वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का, वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का। झाटू से प्रेरक ताना भगत का इतिहास है, जिस ताना भगत के इतिहास के आधार पर 30,000 आदिवासी घरानों ने महात्मा गांधी का प्रपत्र बनाकर दांडी मार्च और सत्याग्रह के लिए हर देश का नागरिक झारखंड की धरती को सलाम करता है। और आज भारत की प्रगति के पहिए की बात करती है भाजपा, भारत की प्रगति की पहिए की बात करती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत की प्रगति की पहिया 40% तो झारखंड राज्य से है, क्योंकि 40% खनिज झारखंड की भूमि में रहती है। लेकिन उस खनिज का सही इस्तेमाल, उस खनिज का सही लाभ तब न्याय होगा जब झारखंड की जनता को उसका लाभ मिल पाए। और जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, अन्नदाताओं के प्रति, किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, आज भी हमारा भारत देश औद्योगियों का देश नहीं है, अन्नदाताओं का देश है, किसानों का देश है। और ये शब्द अन्नदाता का किया जाता है, यह शब्द अन्नदाता का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता प्रदेश का पेट नहीं भरता, अन्नदाता संपूर्ण देश का पेट भरता है। 5 साल हो गए यहां, संतरी तंबली आते हैं, लुभाने की बात करते हैं। 5 साल पहले कहा था भैया 2022 तक तुम्हारे आय को हम दुगना कर देंगे, कहा था कि नहीं? समर्थन मूल्य की बात करते हैं, लागत के दाम के ऊपर 50% मुनाफा डालकर समर्थन मूल्य हम दिलवाएंगे, कहा था कि नहीं? और आज किसान बेहाल, नौजवान बेरोजगार और प्रदेश का शासन माला माल। कांग्रेस के शासनकाल में यूपीए की सरकार जब थी, किसी में दम था तो कांग्रेस पार्टी में दम था, जब देश में किसी अन्नदाता ने नहीं मांगा, लेकिन अन्नदाता का दर्द
जनसेवक नेता आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। ठाट ठाट वाले, कलप के कुत्ते वाले, और नेता लोग क्या कहते हैं, नेता लोग कहते हैं पहला मान तो आए तब मैं देखूं। सही है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी ने किसी की मान की इंतजार नहीं की। जब देखा किसानों में पीड़ा है, 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना पूरे देश में लागू की। कांग्रेस के शासनकाल में जब मेरा नौजवान बगदाद का ठोकरे खा रहा था, कांग्रेस के शासनकाल में महात्मा गांधी रोजगार योजना लागू करके मैं आऊंगा वहां, भी चिंता मत करो। अभी तो ट्रेलर है, आप पिक्चर की बात कर रहे हो। रोजगार गारंटी योजना लागू की, 35,000 करोड़, जिसका आज एक रुपया भी झारखंड के मजदूर को नहीं मिल रहा। कांग्रेस के शासनकाल में समर्थन मूल्य में 19% वृद्धि होती थी, आज 3.5%। समर्थन मूल्य, और प्याज की तो बात ही मत करो भैया। मेरे पुराने राज्य में महाराष्ट्र के सोलापुर में तो 200 रुपया किलो बन गया। किसान को खुशहाल बनाने की सोच, और वास्तविकता में तो किसान को कुचल रख दिया है पूरे देश में। सही दाम मिल रहा है, जमीन किसान के लिए केवल अनाज बोने का और अनाज बनाने का फैक्ट्री नहीं है, किसान के लिए जमीन उसकी देवा देव देवता होती है, माता और पिता होता है। और आज ये लोग उसमें परिवर्तन करके सूट मूट वालों को जमीन मिल पाए। झारखंड में यहां झरिया में अभी पूर्णिमा जी मुझे कह रही थी, लोगों को यहां ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार बनाओ, झरिया को खाली नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा को खाली किया जाएगा। नहीं मिलती, लेकिन 4 गुना बिजली का बिल मिल जाता है। सही है कि नहीं? नहीं, नहीं। बिजली नहीं मिलती, लेकिन 4 गुना बिजली का बिल मिल जाता है। पानी का भंडार है झारखंड में, लेकिन पानी का पाइप नहीं प्यासे कंठों में। एक कहावत है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।